और चलिए इस बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब होगी 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जमानत याचिका दायर की गई थी और इसके चलते इससे पहले हाईकोर्ट से बड़ी फटकार केजरीवाल को लगी थी। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि केजरीवाल के लिए कोई विशेषाधिकार या विशेष सहूलियत नहीं दी जा सकती है। बाकी कैदियों की तरह ही केजरीवाल के मामले को भी देखा जाएगा, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। और इसी को चैलेंज किया था अरविंद केजरीवाल द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले। हालांकि स्पेशल बेंच को गठित करने के लिए भी कहा था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, इनकार कर दिया। लेकिन अब इस मामले में 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों में हुई मुठभेड़। एक आतंकी हुआ ढेर। पुलवामा के फांसीपोरा में सर्च ऑपरेशन जारी, कुछ आतंकियों के घिरे होने की खबर। आतंकियों की खबर मिलने के बाद सेना ने शुरू किया तलाशी अभियान। पुलवामा के इलाकों को सेना के जवानों ने सील किया। आतंकियों के छिपे होने की खबर। दिल्ली के नंद नगरी में रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक कार ने महिला को कुचला। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई ये पूरी घटना। पुलिस ने कार चालक पर दर्ज किया केस, किया गिरफ्तार। दिल्ली की सड़कों पर खतरनाक ड्राइविंग का वीडियो वायरल हुआ। एक एसयूवी चालक का फुटपाथ पर गाड़ी चलाते कैमरे में कैद हुआ। दिल्ली पुलिस जो है, ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवर और वाहन की पहचान कर 12,000 का चालान काटा। अरविंद केजरीवाल को लगा एक और झटका। विजिलेंस ने निजी सचिव विभव कुमार को हटाया, नियुक्ति को बताया अवैध और अमान्य। केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार के हटाए जाने पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बयान। कहा, विभव कुमार के हटाए जाने का कदम सराहनीय, अब निष्पक्ष जांच हो सकेगी। कुमार को अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव के पद से हटा दिया गया। विजिलेंस डिपार्टमेंट का ये कदम एक सकारात्मक कदम है और निष्पक्ष जांच हो इसको सुनिश्चित करने में मदद करेगा। मुजफ्फरनगर में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्तार अंसारी का नाम लिए बिना समाजवादी पार्टी माफिया को समाजवादी पार्टी की तरफ से संरक्षण दिए जाने पर बोला हमला। कहा कि पहले समाजवादी पार्टी को लेकर भी उन्होंने निशान साधा और साथ ही कहा कि पहले जब माफिया रोड से गुजरता था तो कर्फ्यू लग जाया करता था, नेताओं की गाड़ियों को रोक दिया जाता था। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था, तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। यूपी के संभल में रक्षा मंत्री ने सपा पर बोला हमला। का समाजवादी पार्टी कर रही सोमवार से रविवार तक उम्मीदवार बदलने का काम, 2024 के बाद हो जाएगी पूरी तरह से समाप्त। इस समय समाजवादी पार्टी पर कोई काम नहीं है, समाजवादी पार्टी केवल एक काम कर रही है, सोमवार से लेकर रविवार तक रोज कैंडिडेट बदल रहे हैं। और मुझे लगता है कि 2024 का जो है चुनाव हो जाएगा उसके बाद लोग कहेंगे सपा, सपा मतलब समाप्त पार्टी। नेशनल हेरल्ड केस में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। एसोसिएटेड जर्नल और यंग इंडिया की 750 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क। विशेष पीएमएलए प्राधिकरण ने पास किया ये प्रस्ताव। अमेठी या रायबरेली से राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का बयान। कहा, समय आने पर पार्टी फैसला लेगी। रैली के दौरान तेजस्वी यादव ने हेलीकॉप्टर में की नारंगी पार्टी, सोशल मीडिया पर साझा किया वीडियो भी। रामपुर की सीट को लेकर अखिलेश और आजम खां में चल रहे टकराव पर बीजेपी ने चुटकी ली और कहा सपा में भारी तोड़फोड़। बंगाल के कूच बिहार से बीजेपी उम्मीदवार निशित प्रमाणिक ने किया चुनाव प्रचार। टीएमसी पर साधा निशाना और कहा कि टीएमसी के गुंडे चुनाव के दौरान हिंसा करने की करेंगे कोशिश। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना। कहा, दिग्विजय का बयान दर्शाता है कांग्रेस की मानसिकता। कांग्रेस ने हमेशा परिवार के बारे में पहली बार सोचा। फिर से एक बार कांग्रेस ने दिखाया है कि कैसे वो देश की भूमि को परिवार की जायदाद समझती है। जब दिग्विजय सिंह जी ने
कच्चतीव द्वीप को, कच्चतीव आइलैंड को देना जायज ठहराया है, ये कहते हुए कि कोई इस आइलैंड पर रहता नहीं, कोई इस टापू पर रहता नहीं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज प्रधानमंत्री मोदी तीर्थनगरी ऋषिकेश में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित, और इसके साथ ही गढ़वाल मंडल की 3 लोकसभा सीट हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल और टिहरी को भी साधेंगे। उत्तराखंड के बाद पीएम राजस्थान के करौली धौलपुर में भी चुनावी सभा करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी इंदु देवी जाटव के समर्थन में विजय शंखनाद रैली को संबोधित करेंगे। आज गृहमंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश में चुनावी सभा के साथ कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल, जहां वो कुल 6 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मंडरा लोकसभा सीट पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र के नांदेड़ जाएंगे अमित शाह, जहां जनसभा को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। और आपको बता दें अरविंद केजरीवाल की मेडिकल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। 10 दिन में बढ़ा दिल्ली के सीएम का 1 किलो वजन, 65 से 66 किलो हो गए हैं अरविंद केजरीवाल। मेडिकल रिपोर्ट में शुगर लेवल में भी बदलाव देखने को मिला है। बीजेपी नेता रामवीर सिंह विधूड़ी ने आपके आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि केजरीवाल की पार्टी कर रही 4.5 किलो कम होने का दावा, सरकारी जानकारी में सच आया सामने, जेल में दिल्ली के सीएम का 1 किलो वजन बढ़ा है। मुख्यमंत्री का वजन 4.5 किलो कम हो गया, लेकिन जो सरकारी जानकारी उपलब्ध हुई है उसमें तो ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री का वजन 1 किलो बढ़ गया है। पटेल नगर से आप विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने अपने पद से दे दिया इस्तीफा। भ्रष्टाचार को लेकर उठाए कई सवाल, कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर पार्टी की जो नीति है उससे वो सहमत नहीं। राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि आनंद के घर 23 घंटे तक ईडी की ब्रेक पड़ी थी, तब बीजेपी कह रही थी कि राजकुमार आनंद भ्रष्ट हैं। हो सकता है कि कल राजकुमार आनंद को बीजेपी नेता माला पहनाते हुए नजर आए। राजकुमार आनंद के आम आदमी पार्टी से अलग होने पर तरुण चुग ने आप पर बोला हमला और कहा कि आपके अंदर लोग महसूस कर रहे हैं घुटन, नई सुबह परिवर्तन के नाम पर आए लोग भ्रष्टाचार की जननी बनकर खड़े हैं। तो वहीं बांसुरी स्वराज ने कहा कि 2010 से अरविंद केजरीवाल के सहयोगी रहे राजकुमार आनंद की आत्मा जाग उठी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा जम्मू कश्मीर की शांति देखने के बाद अब पीओके के लोग भी भारत के कश्मीर में आना चाहते हैं। विकास की राह पर काफी जिस तेजी से बढ़ चला है, मुझे लगता है कुछ समय के बाद शायद पाक अधिकृत कश्मीर वाले भी यह कहने लगे कि भाई हम तो कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, भारत वाले कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, यानी भारत के साथ जाना चाहते हैं। इस प्रकार के भी हालात पैदा होते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दबंगों ने राजस्व टीम पर किया हमला, हमले में कानून गो और लेखपाल हुआ जख्मी, पैमाइश करने गई थी राजस्व विभाग की टीम। मणिपुर के उखरूल में संदिग्ध के पास से घातक हथियार बरामद, असम राइफल्स ने मणिपुर पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन चलाकर आरोपी को धर दबोचा, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जमीन को लेकर भिड़े दो गुट, गोली और बमबाजी में 5 लोग गंभीर रूप से हुए जख्मी, घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। बहराइच में बकाया पैसों को लेकर दो पक्षों में मारपीट, मौके पर कई लोग घायल हुए, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया, पुलिस ने दर्ज किया मामला। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, अवैध असले के साथ 4 लोगों को धर दबोचा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध हथियार बरामद किए, आरोप है कि आरोपी अवैध हथियार बेचने के लिए ले जा रहा था। उत्तर प्रदेश के झांसी में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत का मामला आया सामने, परिजनों ने लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप, पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी। गुजरात के तापी में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में